एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका संजय ट्यूटोरियल्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और फिर एक बार आपकी डिमांड पे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर्स का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस का वीडियो लेके आया हूं। चूंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने कहा भाई बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बना के आपको एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आइए देखते हैं इस बार क्या है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस पेपर वन, ये आपका पार्ट बी है, ठीक है ना। पार्टे हम बना चुके हैं, ये पार्ट बी है। अब देख यहां भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसपे हम बात करेंगे आपसे। आइए पढ़ते हैं। ए डैश इज द पर्सन हु सेंड्स द प्रपोजल फॉर्म फॉर टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेज द प्रीमियम। वह व्यक्ति जो अपना बीमा कराता है और प्रीमियम और पे करता है उसको हम प्रॉस्पर्स कहते हैं, ठीक है, प्रॉस्पर्स कहते हैं, ठीक है। फिर द कैश वैल्यू ऑफ पॉलिसी पेड बाय कंपनी अपॉन द सरेंडर ऑफ अ पॉलिसी बिफोर इट बिकम्स पेबल बाय मैच्योरिटी इज नोन एज प्रीमियम। कैश सरेंडर वैल्यू कंसिडरेशन। देखिए अगर आपने कोई LIC का पॉलिसी लिया है और आपका पॉलिसी 20 साल का है और आप 5 साल चलाया उसके बाद 10 साल चलाया और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो कुछ पैसा आपको वहां जो जमा किए हैं उसके बेसिस पे मिल जाता है। तो यहां उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, कैश सरेंडर वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? कैश सरेंडर वैल्यू कहलाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट थॉट क्या है। वन हु शेयर्स द रिस्क अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी और पॉलिसी इज नोन। जो रिस्क लेता है वो क्या कहलाता है? एश्योर, इंश्योरर, को इंश्योरर, ठीक है ना, एजेंट। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। वन हु शेयर्स द रिस्क अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी और पॉलिसीज इज नोन एन एश्योर, इंश्योर, को इंश्योरर, ठीक है। आइए फोर्थ क्या है। अ पॉलिसी प्रोटेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पर्संस यूजुअली इंप्लॉइज ऑफ अ फर्म जनरली कॉल्ड एज फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई जब ग्रुप की बात होगी ना तो ग्रुप के लिए तो सिंपल सी बात है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगा। हम अकेले अपना बीमा करा सकते हैं, कई लोग मिलके भी एक पॉलिसी ले सकते हैं, वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाता है। व्हाट इज द मेंट बाय क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी? एनी डिमांड मेड बाय द पॉलिसी होल्डर ऑन इंश्योरर, ठीक है। फिर अ डिमांड ऑफ फुलफिल्स द पॉलिसी होल्डर्स ऑब्लिगेशन, अ डिमांड ऑफ फुलफिल द इंश्योरर्स, यही होगा इंश्योरर ऑब्लिगेशन। फिफ्थ का सी होगा, ठीक है। आई सिक्स्थ क्या है। If a life insured has died a few days before the death of maturity, but after signing discharge form, to whom should the claim paid? आइए, surviving heirs, nominee, simple सी बात है, जो nominee होगा उसी को pay किया जाएगा, ठीक है। Seventh क्या है? If the premium was due on 15 July and 16 August is a Sunday, the grace will end on 14 August Friday, the grace period will end on 15 August Saturday, the grace period will end on 17 August Monday, the grace period will be end as per the discretion of the insurer। इसमें आपका अगर हम बात करें तो इसमें ये 16 के बाद अगला दिन हो जाएगा आपका, यानी यहां पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन। In life insurance, profit is determined by the accountant who prepares the balance sheet, the actuary who makes a valuation, the auditor who certified the annual accounts, the third party। इसमें actuaries होते हैं, actuaries ही valuations करते हैं और वही valuations के लिए मान्य होता है। Actuary science पूरा एक topic है जहां actuary science के यहाँ वही actuary दिया हुआ है, यहाँ पे उन्हीं के विषय मान जाएगा। Dash The principal's death does not apply of Lloyd's life। कौन सा principal apply? Subrogation होता है, utmost होता है, contribution होता है, indemnity principles apply नहीं होता है। A human life is an income generating assets, partially true, partially false, true है ये, no doubt। भाई आदमी है surviving करने के लिए कुछ न कुछ तो income तो कमाएगा ही कमाएगा। 11th क्या है? Which of the following is a children policy of India? जीवन स्नेहा, जीवन विश्वास, जीवन धारा, सुकन्या। जीवन सुकन्या बहुत पॉपुलर है, आप सुने होंगे इसके बारे में।
एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इट शुड बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्लेम सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सर्वाइवल ओनली, ओनली एट द इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी, एट इंसेप्शन एंड एट द टाइम ऑफ रिवाइवल, यही फोर्थ आपका हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपियन स्टैंडर्ड द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन कोलकाता इन द ईयर डैश डैश 1872, यही हमारे से 1872 होना चाहिए. द क्लास विच सेट्स आउट द इश्यूएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रीएम्बल, द रेसिडुअल क्लॉजेस, कंडीशंस, ऑपरेटिव क्लास, ये आपका फोर्थ ऑपरेटिव क्लास हो जाएगा, यानी कि 14th का डी हो जाएगा. 15th क्या है, इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन शेड्यूल्स एज ए यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट टू 8th, 9th, 7th, 10th, यानी किस लिस्ट में है, तो वह है 7th लिस्ट में, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो यूनियन लिस्ट है उसके 7th में इंश्योरेंस के बारे में कहा गया. इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी स्टेट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके लिए कानून बनाई है, LIC वगैरह सब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपका 99.4, इसमें कुछ चेंज भी हुआ होगा एक बार, क्या है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ना, शायद इसमें 100% है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यहां पे 100% होना चाहिए, ठीक है. आइए 18 क्या है, विच वॉज द फर्स्ट एक्ट टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1912, IRDA एक्ट 1999 और LIC एक्ट, ये हमारे से ये सेकेंड है आपका, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1912. इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉमिनेशन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मोर देन वन पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड, नॉमिनेशन कैन बी डन आइदर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट और लेटर, नॉमिनेशन कैन बी चेंज बाई मेकिंग एन इंडोर्समेंट, ऑल ऑफ दिस, इसमें सारी चीजें सही है, सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस हो गया, ठीक है. आइए द सम इंश्योर्ड अंडर अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वुड प्राइमरली डिपेंड्स ऑन एज, हेल्थ कंडीशन, अफोर्डेबिलिटी, इनकम्स, इसमें एज के ऊपर डिपेंड करता है, एज के हिसाब से ही हेल्थ पॉलिसी होती है. व्हाट आर द चार्जेस इन यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी, एलोकेशन चार्जेस, मोर्टिलिटी चार्जेस, बोथ ए एंड बी, ए दोनों हो जाएगा, ठीक है. 22 डैश डैश इज प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ड्राइवन बाय अ मार्केट फोर्स, डी ट्रैफिंग फिक्स प्राइसिंग, ट्रैफिंग पेंटनेशन प्राइस, ये आपका ये पहला ही हो गया, आपका फर्स्ट हो जाएगा डी, फ्रीकिंग हो जाएगा. 23 क्या है, डैश डैश इज द टोटल प्रीमियम दैट अ पॉलिसी होल्डर पेस टू इंश्योरेंस कंपनी, नेट प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम, पार्शियल प्रीमियम एंड लेबल प्रीमियम, यहां पे ये ग्रॉस प्रीमियम कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रीमियम. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू, कॉन्सेप्ट क्या है, सरेंडर वैल्यू क्या है, जब बीमा पूरा होने के पहले बीमा चला नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, वही सरेंडर वैल्यू कहलाता है. मैक्सिमम कंपनसेशन अवेलेबल अंडर पॉलिसी, कैश वैल्यू एसोसिएटेड विद द पॉलिसी इन केस द प्रीमियम्स हैव बीन पेड फॉर 3 years एट लीस्ट, मिनिमम कंपनसेशन अवेलेबल अंडर द पॉलिसी, कंपनसेशन अवेलेबल अंडर द पॉलिसी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपका सबसे सही बी ऑप्शन है, जिसमें कैश वैल्यू एसोसिएट विद द पॉलिसी इन केस प्रीमियम हैव बीन पेड, कम से कम 3 साल अगर चला ली हो पॉलिसी आप, तो आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, जो भी आप जमा किए उसका एक पार्ट मिल जाएगा. 25 डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ नॉमिनेशन टू द ट्रांसफर द राइट ऑफ पॉलिसी टू अपॉइंट अ पर्सन टू रिसीव द पॉलिसी पॉलिसी इन द इवेंट्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस डेथ, यही होगा आपका सेकेंड ही. नॉमिनी क्यों अपॉइंट करते हैं, कि पार्टी के यानी जो जिसका इंश्योरेंस डेथ हो गई तो उसका मरने के बाद उसका पैसा कौन पाएगा, वो है यहां पर. डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ असाइनमेंट क्या है, टू ट्रांसफर द राइट्स ऑफ पॉलिसी टू अपॉइंट अ पर्सन टू रिसीव द पॉलिसी मीन्स एंड द इवेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस डेथ
टू सरेंडर द पॉलिसी टू क्रिएट एज स्टेट, ये आपका वही द पर्पज ऑफ असाइनमेंट टू ट्रांसफर द राइट्स, ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कॉमा इज नॉट एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड एज प्रूफ डॉक्यूमेंट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, हॉस्कोप, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, इसमें तीसरा कहीं यूज नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स के रूप में कहीं भी एज प्रूफ में। स्कूल लिविंग जो आपका टेंथ का सर्टिफिकेट जो है डेट ऑफ बर्थ होता है वो जनरली यूज होता है, पासपोर्ट का यूज होता है, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट यूज आता है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉमा इज लाइकली टू बी एक्सपोज्ड टू हेल्थ हैजार्ड इन हिज और हर ऑक्यूपेशन, क्या है, योगा इंस्ट्रक्टर, फिल्म स्टंट आर्टिस्ट, डांसर इन नाइट क्लब, पर्सन एक्सपोज टू माइनिंग डस्ट, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 29 डैश मींस दैट द एप्लीकेंट्स हु आर एक्सपोज टू सिमिलर डिग्रीज ऑफ रिस्क मस्ट बी प्लेस्ड इन द सेम प्रीमियम क्लास, सेलेक्शन ऑफ रिस्क, एंटी सेलेक्शन, मोरल हैजार्ड्स, ये फोर्थ आपका इक्विटी में हो जाएगा। 30, when the insurer promises to pay the insured as a specified amounts at the end of the term, if the insured survives the plan's entire terms, then the claim will be known as survival benefits payments, surrender of the policy, death claim, maturity claim kehlayega aapka, kya kehlayega, maturity claim. Question 30 ka D hoga aapka, aaye. A life insurance company paid the treatment cost to the insured during the events of hospitalizations of the insured during the policy term. This is an example of survival benefits payment, surrender value, rider benefits होता है ये। जो आप पॉलिसी लेते हैं ना उस पॉलिसी में कुछ चीजें और एड होती चली जाती है, उसका नॉमिनल चार्ज पे करना होता है, वही राइडर बेनिफिट्स कहलाता है। Dash is the demands that the insurer should make good the promise specified in the contract, ठीक है, claim, repudiations, force closure, grievance, यानी इसमें पहला claim हो जाएगा आपका। 33, dash, what is the period up to which a policy can be repudiated by the insurer company if material facts presented by the insured in the proposals are false, up to 15 days, up to 6 months, up to 1 year, up to 3 years. ये हमारे ख्याल से ये फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, up to 3 years. Up to 3 years. In case of presumption of death of life insured, which one of the following documents needs to be submitted by the nominee? Death certificate of municipal corporation, degree from a competent courts, employer certificates, inquest reports. इस केस में अगर हम कहें तो in case of presumptions of death of life insured, which one of following documents need to be submitted by the nominee? डेथ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी होता है, डिग्री फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट भी होता है। इस केस में थोड़ा सा आंसर्स को लेके डाउट्स है, मैं एक बार फिर से श्योर होता हूं। इन केस ऑफ प्रजम्पशंस ऑफ डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड, विच वन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी सबमिटेड बाई द नॉमिनी? डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिग्री फ्रॉम, इस पर दो जगह मेरा ध्यान जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा इन दोनों में से क्या है, कंफ्यूजन है, ठीक है, आगे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कैन बी पेबल ओनली टू द असाइनी और नॉमिनी? डेथ क्लेम पहला ही है, डेथ पे ही तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स comma is an additional document required to be submitted for claim in case of accidental death as compared to the natural death? Certificate of burial or cremation, treating physician certificates, post mortem report, yahi hona chahiye hamare khayal se, post mortem reports,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स. विच एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉमा रिलेट्स टू इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. फ्री कंस्टेंट कंसिडरेशन. इसमें मेन क्या होगा? कंसिडरेशन होगा. कंसिडरेशन. आइडेंटिफाई द च्वाइस विच रिलेट्स टू इन एक्यूरेट स्टेटमेंट्स विच आर मेड विथ एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन. रिप्रेजेंटेशंस. मिस रिप्रेजेंटेशंस होगा यहां पर. मिस रिप्रेजेंटेशंस. 39 समराइजेस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एडिशन फॉर अस. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ड्राफ्टेड बाई बोथ पार्टीज एंड हैव टू बी एक्सेप्टेड बाई बोथ. नहीं लग रहा है. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ड्राफ्टेड बाई वन पार्टी एंड अदर कैन ओनली एक्सेप्टेड. और हां यही होना चाहिए. यही सेकेंड होगा आपका. सेकेंड हो जाएगा. ठीक है. ओके. 40 क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का? मैटर क्या है? प्रीमियम. ह्यूमन लाइफ. सर मैटर क्या है लाइफ इंश्योरेंस का? ह्यूमन लाइफ. ठीक है. सेलेक्ट अ रीजन फॉर डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉमन लॉज. फ्रस्ट्रेशंस. मिस्टेक. मिस रिप्रेजेंटेशंस. रिजेक्शन का यही मेन रीजन है आपका. 42 क्या है? लेबल द इंटरेस्ट दैट इंश्योर्ड हैज इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट. वेजर इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट. यही होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट. थर्ड होगा इसका. 42 का सी होगा. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. इंटरिम एग्रीमेंट्स. प्रोविजनल एग्रीमेंट्स. कॉन्स्टेंट एग्रीमेंट. कंटिजेंट एग्रीमेंट. यानी फोर्थ हो जाएगा ये. 44 पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट रेगुलेटेड बाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA. कौन इसमें से IRDA थ्रू रेगुलेटेड नहीं होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स. इंश्योरेबल ब्रोकर. करेंट अकाउंट. ये इससे मतलब नहीं है. थर्ड आपका आंसर होगा. 45 में आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कॉमा कैन इश्यूज द लाइसेंस टू वर्क इंडिविजुअल एजेंट्स इन इंडिया. फाइनेंसिंग मिनिस्ट्री. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. LIC एंड GIC. IRDA. IRDA ही इंश्योरेंस किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस देता है बीमा करने का. थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज. LIC एंड GIC ज्वाइंटली. IRDAI. इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ये हो जाएगा. ठीक है. 47 इंश्योरेंस एजेंट्स हु होल्ड द लाइसेंस टू एक्ट द एजेंट्स फॉर बोथ लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस एंड ईच ऑफ टू मोनोलाइन इंश्योरेंस आर कॉल्ड ब्रोकर्स. ब्रोकर्स नहीं. कॉर्पोरेट एजेंट से भी नहीं होगा. थर्ड पार्टी से भी नहीं होगा. कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट यही होना चाहिए. ये 47 का डी. इंश्योरेंस एक्ट केम इन टू इफेक्ट इन. कब हुआ ये? कब आया इफेक्ट में? 1 जून 1939. ये आपका ऑप्शन है. ठीक है. 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर मॉनिटरिंग द ग्रीवेंस रिड्रेशल इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज. नेशनल कमीशन. ओम्बड्समैन. इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम. स्टेट कमीशन. तीसरा है आपका जो ग्रीवेंस पे शिकायतों पे काम करता है. व्हाट इज द मैक्सिमम अकाउंट्स दैट कैन बी अवार्डेड बाय ओम्बड्समैन इन केस ऑफ ग्रीवेंस. अप टू रुपीज 10 लाख. 20 लाख. 50 लाख. 100 लाख. इसमें 20 लाख तक होगा आपका. ये दूसरा पेपर वन का दूसरा पार्ट था वीडियो का. एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा. कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा. और जरूर एक बार मेरे कोचिंग के एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए. वहां देखिए क्या क्या चीजें. मैं इस वीडियो के में उस कोचिंग के एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा. और वहां डिफरेंट कोर्सेज को एसेस करिए. चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियो को लाइक करिए. बहुत जल्दी फिर आपके साथ नए वीडियो से जुड़ता हूं. तब तक के लिए थैंक.